एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा स्टार्टअप ग्रेडअप। ऑटो सेक्टर में लंबी रेस का घोड़ा बनने में लगा स्पेयर पार्ट मार्केट प्लेस स्पेयर हब। और कैसे 50,000 में आप शुरू कर सकते हैं बैटरी वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। जहां फिनटेक ने फाइनेंस को आम लोगों के लिए आसान बनाया, वहीं एडटेक ने शिक्षा के कई दरवाजे खोले हैं। फिर चाहे नर्सरी की पढ़ाई हो या फिर डॉक्टरी की, टेक्नोलॉजी में शिक्षा के आड़े आ रही हर मुश्किल को पार करने की ताकत है। नेशनल और रीजनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है दिल्ली का एक स्टार्टअप ग्रेडअप। देखिए इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का बिजनेस ग्राफ। जमाना इतना कॉम्पिटिटिव हो रहा है कि करियर ड्राइव करने के लिए सिर्फ एक डिग्री हासिल करना काफी नहीं होता। अच्छी नौकरी पाने के लिए और नौकरी हासिल करने के बाद भी प्रमोशन, सिक्योरिटी और खुद को अपग्रेड करने के लिए पढ़ते रहना अब जरूरी हो चुका है। और यहीं पर बना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मार्केट। भारत में हर साल करीब 3 करोड़ बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। ये मार्केट $6 बिलियन का है और अगले 2 सालों में 5 से 10% से ये मार्केट ऑनलाइन पर शिफ्ट होगा। इन एग्जाम की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को मदद कर रहा है ग्रेडअप। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाई की प्रैक्टिस, डाउट्स क्लियर करवाना, एक्सपर्ट कोचिंग, टेस्ट पेपर्स, यहाँ तक कि पूरी तैयारी के दौरान बच्चों को मोटिवेट रखने जैसे हर पहलू पर काम करता है। ग्रेडअप की मॉक टेस्ट, ग्रेडअप की डेली क्विजेस एंड जॉब नोटिफिकेशंस जो भी ग्रेडअप की आती थी, आई फॉलोड देम एंड इट वाज सफिशिएंट। और जो स्टडी मटेरियल्स थे, जो फॉर्मूला शीट्स थी, उन्होंने मेरी मदद किया टू अचीव दिस गोल। 2015 में शोभित भटनागर, विभूभूषण और संजीव कुमार ने मिलकर ग्रेडअप को शुरू किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले कम्युनिटी क्रिएट की गई, जिसमें स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और उसे स्टूडेंट्स ही सॉल्व करते हैं। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट की सलाह भी मिल जाती है। कम्युनिटी से शुरुआत करने की सबसे बड़ी वजह थी फाउंडर्स का एजुकेशन सेक्टर का अनुभव। इसीलिए ग्रेडअप की नींव एक्सेस टू एजुकेशन को हल करने पर रखी गई, जो सबसे बड़ी समस्या थी। ग्रेडअप की कोर जो बिलीफ है उसके अंदर स्टूडेंट कम्युनिटी को बिल्ड करना और उसको ग्रो करना एक हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ आर ग्रोथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करते हैं, हर एग्जाम को जब हम लॉन्च करते हैं हमारा पहला गोल ये रहता है कि 1 से 2 एग्जाम साइकिल, मतलब 12 से 18 महीने के अंदर हम उस एग्जाम के 10 से 15% यूजर जो उस एग्जाम को, स्टूडेंट जो उस एग्जाम को देने वाले हैं, 10 से 15% उन स्टूडेंट्स को हम क्या ग्रेडअप कम्युनिटी पर एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उस नंबर तक पहुंचते हैं तो वो कम्युनिटी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। कम्युनिटी के साथ साथ फाउंडर्स ने प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासरूम्स, क्विज, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जैसे फीचर्स जोड़े, जिससे एग्जाम चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो या मैनेजमेंट की, स्टूडेंट्स की पूरी तरह से तैयारी ग्रेडअप करवा लेता है। हमारा एक प्रोडक्ट है ग्रेडअप क्लासरूम करके, वो बहुत इफेक्टिवली बच्चे को प्रिपेयर कराता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे आप देखेंगे सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट का क्लास होता है, तो कॉन्सेप्ट के क्लास के अंदर हम सबसे पहले बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, उसके बाद एक क्विज देते हैं जिसके अंदर बच्चा उस क्विज को अटेम्प्ट करता है, फिर टीचर उस क्विज के ऊपर डिस्कशन करता है कि क्या क्वेश्चंस आसान थे, क्या क्वेश्चंस मुश्किल थे, अगर बच्चों को प्रॉब्लम आई तो क्या प्रॉब्लम आई, और इस तरीके से वो बच्चा वो टॉपिक सीखता है। फिर हम उसका रिवीजन कराते हैं, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन होता है बच्चे का, जिससे कि वो बेस्ट उस टॉपिक को समझ पाए और उस टॉपिक पे इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ से शुरू करते हैं। कंपनी ने हाल ही में लाइव क्लासेस शुरू किए हैं, जिसमें टॉप क्लास टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इन क्लासेस में पढ़ाने के लिए कंपनी ने खास मेथोडोलॉजी डिजाइन की है, जिससे एग्जाम की तैयारी करना आसान हो रहा है। सिर्फ वीडियो देख लेने से, सिर्फ टीचर से इंटरेक्ट करने लेने से मैं सीखता नहीं हूँ, मैं एक एग्जाम को नहीं क्लियर कर सकता, मैं आगे नहीं पढ़ सकता। एक पूरा डिफाइंड तरीका होना चाहिए जिसके अंदर टीचर भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर प्रैक्टिस करना है, जिसके अंदर रिवाइज करना है, जिसके अंदर असेसमेंट करना है, वो सारे कॉम्पोनेंट हो। एक
एग्जाम का प्रिपरेशन होता है वो एक बहुत लंबे ड्यूरेशन पे होता है, वो कहीं भी 3 महीने से लेके 12 महीने या इवन 2 साल कुछ एग्जाम्स के लिए चलता है। तो उस ड्यूरेशन के अराउंड बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा मोटिवेटेड रहे, प्लस उसको सही गाइडेंस मिलती रहे। उसके लिए हमारे पास एक टीम है जो कि स्टूडेंट सक्सेस टीम कहलाती है। वो हर बच्चे का ध्यान रखती है कि वो बच्चा कहाँ क्या गलत कर रहा है या उसको किस फॉर्म में गाइडेंस चाहिए, और वो गाइडेंस प्रोवाइड होती है। इससे जो प्रॉब्लम उस बच्चे को उस टाइम पे आ रही है वो सॉल्व हो जाती है और वो आगे बढ़ पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए, उसको ये गाइडेंस मिल पाना और वो इवॉल्व हो पाए, अपनी कमियों से आगे निकल के अपने एग्जाम पे बेस्ट कर पाए, और ये इफेक्टिवनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 2015 में शुरू हुए ग्रेडअप ऐप के आज 1,40,00,000 डाउनलोड्स हो चुके हैं। कंपनी के 3,00,000 से ज्यादा पेड यूजर्स है। कंपनी हर महीने 40% यूजर्स ग्रोथ देख रही है, लेकिन इस ग्रोथ को हासिल करना आसान नहीं था। हर एजुकेशन कंपनी की जर्नी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज वही रहा होगा कि वो किस तरह स्टूडेंट का एंगेजमेंट, किस तरह स्टूडेंट का उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका बढ़ा सकते हैं, कितना वो टाइम स्पेंड कर रहा है, कितना वो यूटिलाइज कर रहा है उसको। यूजर एक्विजिशन, क्योंकि हम एक कम्युनिटी ऐप की तरह ऑपरेट करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं रहा, क्योंकि एक बार अगर किसी बच्चे को उसमें फायदा मिलता है तो वो 5 और बच्चों को जाकर बोलता है कि आप आओ ग्रेडअप इस्तेमाल करो। बट वहीं मैं उसको कंपेयर करूं कि स्टूडेंट कितना इफेक्टिवली प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाता है, कैसे वो इम्प्रूव कर पाता है इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके, उस पे काम करते रहना हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। फाउंडर्स ने $20,000 के स्टार्टअप कैपिटल से ग्रेडअप को शुरू किया और अब तक $7.5 million का फंड निवेशकों से जुटाया है। प्रोडक्ट में लगातार नयापन लाने की कोशिश और बेहतर सर्विस ऑफर करने की लगन से ग्रेडअप की पूरी टीम काम कर रही है। तो हमारा हमेशा गोल रहा है कि हम एक बहुत कैश एफिशिएंट कंपनी की तरह ऑपरेट करें। हम हर अपनी सर्विस को एक इंडिपेंडेंट बिजनेस की तरह देखते हैं, और वो सब जब भी हम लॉन्च करते हैं तो वो एक कैश फ्लो पॉजिटिव उसको जल्दी से जल्दी बनाते हैं। आज की डेट में हमारी सारी सर्विसेज अपने आप में कैश फ्लो पॉजिटिव सर्विसेज है, और जैसे जैसे वो ग्रो करती जा रही हैं हमें दिखता है कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज के चलते एजुकेशन इंडस्ट्री की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। शिक्षा के आड़े आ रही बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी चुटकियों में सुलझा रही है। गूगल और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई लर्निंग मार्केट 2021 तक $1.96 बिलियन तक बढ़ जाएगा। यानी इस मार्केट में बढ़ रही बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कैश करने के लिए नए लोगों के सामने ढेरों मौके अभी भी उभर रहे हैं। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक।